फीका हुआ गणेश चतुर्थी बिना मूर्तियों के नहीं होगी, तस इनसे बड़ी मूर्तियां। कल से शुरू होने जा रही है भगवान गणेश का पूजन उत्सव। गणेश चतुर्थी जहां हर साल पूरे देश में हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और लालबाग के राजा की विशाल प्रतिमा अपनी भव्यता के लिए प्रख्यात है, वहीं इस बार ये उत्सव बिना मूर्तियों के फीका प्रतीत होगा। हर्ष और उल्लास के साथ बनाए जाने वाले उत्सव को भी कोरोना या कोविड 19 की मार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सरकार ने इस बार सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति पूजन पर रोक लगा दी है और वहीं पर घरों में होने वाली पूजा पर भी प्रतिबंध लगाते हुए 9 से 10 इंच की मूर्ति द्वारा पूजा किए जाने का प्रावधान रखा है। सरकार का मानना है कि 9 इंच की मूर्ति के पूजन से भीड़ घटता नहीं होगी और कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन जहां एक और प्रयाग में कोरोना वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहां पर सरकार का यह फैसला कौन से मील का पत्थर साबित होगा यह देखना बाकी रह गया है। इसका पहले साल में मूर्ति कम से कम हमारा यहाँ पे 250 मूर्ति बनता था, बड़ा बड़ा मूर्ति 10-12 फीट 15 फीट 20 फीट का मूर्ति बनता था और 250 मूर्ति बनता था। ये साल तो कोरोना महामारी से टोटल मूर्ति हम लोग लॉकडाउन से हम लोग 5 आदमी मिल के बनाया इतना मूर्ति, करीब छोटा छोटा मूर्ति लेकर हमारा 150-150 मूर्ति बना है। इसमें से 4 फीट की मूर्ति, 3 फीट की मूर्ति, 2.5 फीट की मूर्ति, 2 फीट की, 1.5 फीट की, 1 फीट की, इतना मूर्ति हम लोग बनाया। लेकिन इसमें से 2 दिन पहले सूचना आया है जी सरकार से कि ये 1 फीट और 9 इंची मूर्ति बिकेगा, अब बाकी ये मूर्ति तुम्हारे अलाव नहीं है। लेकिन हम लोग सभी ये मूर्ति जब बनाया सभी हमारा नुकसान में है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी कलकत्ता से सब कारीगर आया, सब पैसा हम लोग का फंस गया, क्या कैसे हम लोग दे। अचानक से न्यूज़ आ रही है, ये लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियों की आपकी बुकिंग कराई गई थी वो सब पुलिस वाले कैंसिल करा रहे हैं और ये बुकिंग कोई हाल फिलहाल की तो है नहीं, इसके लिए तो हम लोग महीनों पहले से बुकिंग कर देते हैं, एडवांस दे दिया जाता है क्योंकि हम इनके बहुत पुराने कस्टमर हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं पर फेथ रहता है। हम कोई 2-4 जगह की बुकिंग तो रखते नहीं है कि तुरंत आके लेते नहीं है, हमारी 2.5 फुट की मूर्ति के लिए हमने पहले से ही एडवांस दे करके रखा हुआ था। अचानक सरकार एक दिन पहले गाइडलाइन जारी कर रही है कि मूर्ति 1 फीट से ऊपर की नहीं रखी जाएगी। सर, इसके लिए पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना कि जो लोग अपने घरों में स्थापना करेंगे उसके लिए एक मैक्सिमम ये नापतौल है, तो इसके लिए सडनली बताने से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको वेरीफाई करना है, आपको डाउट लग रहा है, पहली बात तो कोई भगवान के नाम पे झूठ बोलेगा नहीं, हम कोई अपने घर के लिए ले जा रहे, कोई गली मोहल्ले में हमने पूजा करनी नहीं, आपको वेरिफिकेशन करना है, आप हमारे साथ अपना आदमी भेज दीजिए या फिर अचानक से हमारे घर आकर के इंस्पेक्शन कर लीजिए। तो ये तो समस्या समझ में आती है कि आपको डाउट है कि हमने क्राउड ना इकट्ठा करें, तो हम वो नहीं करेंगे, हम भी एक सभ्य नागरिक हैं और समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो हम इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, मगर कम से कम हमें हमारी मूर्ति तो मिल जानी चाहिए जो हमने बुक कराई है। हमारा परिचय है, हम कीटगंज के रहने वाले, गुंजन ठकराल नाम।